हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुजुर्ग छोगाराम हॉस्पिटल में भर्ती पत्नी धरने पर। पैतृक जमीन अन्य ग्रामीणों को आवंटित करने से आहत बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा शुरू किया गया धरना अनशन शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आज सवेरे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अनशनकर्ता छोगाराम सितार के स्वास्थ्य का परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि उनका रक्तचाप सामान्य से ज्यादा है। उन्हें सिरोही के सरकारी अस्पताल ले जाया गया और इलाज के नाम पर उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया, जबकि छोगाराम सुतार की पत्नी चंपा देवी का धरना बकायदा जारी है। बता दें कि रेवदर तहसील के आसावा गांव निवासी 80 वर्षीय छोगाराम सुतार ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर पैतृक जमीन अन्य ग्रामीणों को आवंटित किए जाने की शिकायत की थी। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अपनी पत्नी श्रीमती चंपा देवी सुतार के साथ बुधवार को ही आसावा ग्राम सभा भवन के सामने ही धरने पर बैठ गए। धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। छोगाराम सुतार ने जागरूक टाइम संवाददाता को बताया कि उसे खातेदारी भूमि आवंटित वर्ष 1962 में हुआ था, जिस पर वर्षों तक खेती करता रहा। अब उम्र होने से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और बच्चे भी कामकाज के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते हैं। छोगाराम ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वो कई वर्षों से भटक रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई कार्यवाही तो दूर कोई संतोषजनक जवाब तक नहीं मिला। जागरूक टाइम संवाददाता ने शुक्रवार को भी संबंधित अधिकारी से इस बाबत विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई संपर्क ना हो पाया। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।